हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौजार देश। मौजार देश का मतलब होता है मज़ेदार देश, यानी मज़ेदार शहर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब होती हैं। ये चैप्टर उनके लिए है जो बच्चे बंगाली तो पढ़ते हैं पर उसका मीनिंग नहीं जानते हैं कि ये कहानी क्या बताना चाह रहा है या ये कविता को हिंदी में कैसे समझ में आए। काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, तो आज ये हम उन बच्चों के लिए ही लेकर आए हैं। ये कविता का नाम है मौजार देश। मौजार देश यानी मज़ेदार देश, यानी अलग ही दुनिया है ये। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सारी उल्टी फुल्टी होती है। ये क्या क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। इनका जो राइटर है उनका नाम है जोगेंद्रनाथ सरकार। जोगेंद्रनाथ सरकार वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1866 को 24 परगना में, ब्रिटिश राज्य के समय में। इनकी मृत्यु 26 जून 1937 को कलकत्ता ब्रिटिश राज्य में हुआ था और इनकी मृत्यु 70 वर्षीय आयु में हुई थी। ये पेशे से बच्चों के लेखक थे और ये बंगाली भाषिक थे, मतलब कि ये बच्चों के लिए ही सिर्फ कविताएं लिखते थे और ये बंगाली में ही उच्चारण वाला करते थे। तो इनके बारे में भी मैंने जान लिया है। अब इनके बारे में और जानने के लिए हम ये सेकंड चैप बात बताएंगे बाद में, और अभी हम लोग पढ़ते हैं ये कविता। ये कविता है एक जे अच्छे मौजार देश, सब रकमेर भालो, रक्त रात्रि रेते बेराय रोद, दिने चाँदेर आलो। इसका मतलब है एक शहर है जो शहर का नाम है मजा के देश। सब तरीका का वहाँ पर ही अच्छा अच्छा चीज़ें होता था। रात को सूरज निकलता था और दिन को चांद का रोशनी होता था। आकाश से था सबुज बरण, गाछेर पता नील। वहाँ का जो आकाश का कलर था, यानी कि आकाश आप जानते ही हैं, आकाश यानी हो गया स्काई जिसको बोलते हैं, आकाश का कलर वहाँ पे हरे रंग का था और पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो थे नीले कलर की। डानाए चौड़े रुई कातला, भल जलेर माझे चील। पानी किनारा में रुई कातला मच्छी, देखिए यहाँ पे किस तरह से चल रही है, और पानी में चील चल रहा है। चील यानी कि ईगल। सेई देशेते बेराय पालाय, नेंगठी इदूर देखे। उस देश में चूहा देख के बिल्ली भागता है, क्योंकि जर्नली तो होता है कि बिल्ली देखने से चूहा भागता है, पर यह देश ऐसा है कि बिल्ली चूहे को देखकर भाग रहा है। छेलेरा खाए कैस्टर ऑयल, रसगुल्ला रेखे। बच्चे लोग वहाँ पे कैस्टर ऑयल पीता है रसगुल्ला को रख कर। कैन यू इमेजिन बच्चों, ऐसा भी होता है। मोना मिठाई तेतो से था ओषुद लागे भालो। मतलब मन मुताबिक जो मिठाइयाँ जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो खाते हैं हम लोग बहुत मज़े से, वहाँ पे वो मिठाइयाँ तीता लगता है, यानी कि उसका करेला जैसा स्वाद होता है। और वहाँ पे जो औषुध मतलब होता है दवाई, दवाई तो यहाँ पे बच्चे को पसंद नहीं पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे दवाई बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगता है। वो मिठाई को फेंक के दवाइयाँ ही खाते हैं मिठाई समझ के। अंधकट्टा सादा देखा है, सादा जिनिश कालो। अंधेरा उन लोग को सादा दिखता है, सादा दिखता है, और सादा सामान को उन लोग काला कहते हैं। छेलेरा सब खेला फेले, बोईना पोषे पड़े। बच्चे लोग सब खेलते कूदते हैं पर पढ़ाई लेके कोई भी नहीं बैठता है वहाँ पे। मुखे लागाम दिए घोड़ा, लोकेर पीठे चढ़े। घोड़ा, हम लोग तो घोड़ा के मुंह में लगाम लगाकर उसके पीछे ना बैठते हैं, वहाँ पे घोड़ा ही लगाम लगाता है इंसानों के ऊपर और उसके पीठ पर वो बैठता है। देखिए किस तरीका का वहाँ पे मज़ेदार चीज़ें होती हैं। घुड़ीर हाथे बाशेर लाटाई, उठते थाके छेले। देखिए आप देख सकते हैं
गुड्डी के हाथ में बांस का लटाई है और उड़ कौन रहा है? बच्चे, यहाँ पे बच्चे उड़ रहे हैं। बताइए ऐसा भी कोई देश होता है जहाँ पे बच्चे हवा में उड़ते होंगे? काफी मजेदार है ये। जिलेपी से तेरे आशे, बोर्शी दिए मानुष गाथे, माछेरा छिप फैले। यहाँ पे बोल रहा है बोशीर दिए मानुष गाथे, माछेरा छिपी फैले। तो यहाँ पे पिक्चर नहीं दिया हुआ है जिसे हम आपको समझा सकते। मच्छी लोग इंसानों को फंसा करके फिशिंग करते हैं। ये अजीब ही देश है दो बच्चों। यहाँ पे देखिए ना, जिलेबी से तेरे आशे, कामोर दीते चाय, कचुरी और रसगुल्ला छेले धोरे खाए। ये कितना अजीब है। जिलेबी आ रहा है वैम्पायर के जैसा काटने को दौड़ रहा है, कचौड़ी और रसगुल्ला जो है वो बच्चे पकड़ के खाते हैं। बाबा ये तो बहुत ही मज़ेदार शहर है, वहाँ तो बच्चे भी ठीक से नहीं रह पाते होंगे। डानाए भाषे, डानाए भाषे नौका, डानाए भाषे नौका जहाज, गाड़ी छोटे जले। वहाँ पे बोल रहा है नौका जो होता है, नाव जिसको कहते हैं, या बोट कह सकते हैं, या शिप कह सकते हैं, वो नॉर्मल ज़मीन पे चलता है, और गाड़ी जो होता है वो पानी पे चलता है। यहाँ पे देखिए आप लोग किस तरीक़ा से ये पानी पे चल रहा है। गाड़ी पानी पे चल रहा है और शिप और जहाज़ वगैरह वो सारे ये किनारा में यानी कि ज़मीन पे चलते। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ पे गाड़ी चलते हैं ना रोड पे, उस तरीक़ा से शिप बोट ये सब रोड में चलते हैं, और जो गाड़ी हम लोग के यहाँ पे रोड में चलते हैं वो उस देश में पानी में चलते हैं। कितना मज़ेदार है ना बच्चों, आप देखिए हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये कविता समझने में। मौजार देशे मौजार कथा, बोलबो कतो आर, देखो खुले जाए ना चोक, मुदले परिष्कार। यहाँ पे बोल रहा है कि सपने में हमने तो ये सब देखा, आँख खुलते ही हमारे सामने सारा चीज़ें बदल गया। ये कहानी हमें बता रहा है कि हम अपने सपने में इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीक़ा का ये देश हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उल्टी फुल्टी हैं। आकाश का कलर है यहाँ पे हरा, और पत्तों का कलर है नीला। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अजीब अजीब हो रही हैं। तो क्या आपको हमारे साथ ये पढ़ के मज़ा आया? मैं आपको मीनिंग तो मैंने बता दी है, अब मैं आपको पूरा रीड करके एक साथ बता रही हूँ, ठीक है। एक जे अच्छे मजार दे सब रकमेर भालो, रात्रि रेते बेराय रोद, दिनेर चाँदेर आलो, आकाश सेथा सबुज बरण, गाछेर पता नील, डानाय चढ़े रुई कातला, जलेर माझे चील, সেই দেশতে বেড়াল পালায় নিংটি দূর দেখে, ছেলেরা খায় ক্যাস্টার অয়েল রসগোল্লা রেখে, মনা মিঠাই তেতো সেথা ওষুধ লাগে ভালো, অন্ধকারটা সাদা দেখায় সাদা জিনিস কালো, ছেলেরা সব খেলা ফেলে বই না বসে পড়ে, মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া লোকের পিঠে চড়ে, ঘুড়ির হাতে বসের লাটায় উঠছে উঠছে থাকে ছেলে, বড়শি দিয়ে মানুষ গাথে, মাছেরা ছিপি ফেলে, জিলেপি সে তেড়ে আসে, কামড় দিতে চায়, কচুরি আর রসগোল্লা ছেলে ধরে খায়, পায়ের ছাতি দিয়ে লোক হাতে হেঁটে চলে,
ডানায় আসে নৌকা জাহাজ, গাড়ি ছোটে জলে, মজার দেশে মজার কথা বলবো কত আর। দেখো চোখ খুলিয়ে যায় না দেখা মৃদুলের পরিষ্কার। থ্যাংক ইউ, আপকো সমঝ মে আয়া তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। और भी मज़ेदार मज़ेदार आपको कविता पढ़ने हैं या उसका हिंदी में मीनिंग जानना है तो कृपया आप हमें मैसेज करें, हमें कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।